और आप देख रहे हैं विरम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की। सबसे पहली खबर, अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ जिला शाखा जालौर ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। चिकित्सक संघ के संरक्षक डॉक्टर डीसी पुंसल, डॉक्टर आरपी शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में लिखा है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा केंद्रों को एकल पारी में किया जाए। चिकित्सक संघ ने 33 मांगों को लेकर सौंपे ज्ञापन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के तुरंत समाधान की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय डॉक्टर गजानंद शर्मा, डॉक्टर अनिल जुनोदिया सहित कई चिकित्सक साथ थे। जिला स्तरीय धरना आज पूर्व से निर्धारित था। हम पिछले 3 महीने से लगातार सरकार से चिकित्सक संघ जो राज्य स्तर पर मांगे करता आ रहा है, हमारी 33 सूत्रीय मांगे सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए हमने आज 1 बजे से लगा करके 4 बजे तक जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे धरना रखा है और हमारी मांगों के बारे में सरकार सहानुभूतिपूर्वक विकास विचार नहीं कर रही है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि सभी हॉस्पिटलों का व्यक्त है वो एक पारी में किया जाए, हमारा मेडिकल केयर कैडर बनाया जाए और हमें जो हमारी वेतन संहिता और 2011 का जो समझौता हुआ था वो समझौते को तुरंत लागू किया जाए। मांगे नहीं मान करके उल्टा हमारे मेडिकल केयर गठन नहीं करके हमारे ऊपर ही IAS और RS बैठा रही है, इसका हम विरोध करते हैं और हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। भारतीय मित्र संघ जालौर ने सोमवार को पंचायत सहायक भर्ती के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर ADM को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्ट्रेट के नाम ADM को सौंपे ज्ञापन में विद्यार्थी मित्र संघ ने लिखा है कि पंचायत सहायक भर्ती द्वितीय चरण साक्षात्कार 4 अक्टूबर को हुआ था, जिसका परिणाम 10 अक्टूबर तक किया जाना था, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। विद्यार्थी मित्र संघ ने ज्ञापन में लिखा है कि पंचायत सहायक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने से साक्षात्कार से जुड़े विद्यार्थी मित्रों को भारी निराशा हो रही है। ज्ञापन सौंपते समय विद्यार्थी मित्र संघ की बड़ी संख्या में सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित थे। विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक भर्ती के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर आज हमने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मांग है कि अति शीघ्र पंचायत सहायक भर्ती का परिणाम जारी कर विद्यार्थी मित्रों को पद स्थापित किया जाए। राजस्थान NRHM क्रमिक समस्या समाधान समिति जिला जालौर का सामूहिक अवकाश 28वें दिन भी जारी रहा। समिति के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना स्थल पर धरना चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में NRHM के क्रमिक भाग ले रहे हैं। समिति के सामूहिक अवकाश पर होने से राज्य व केंद्र सरकार की कई योजनाओं की जानकारी भी आम जनता को नहीं मिल रही है। समिति के धरने में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जालौर पुलिस अधीक्षक से एक पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए उसकी पुत्री की मौत के मामले में निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। जालौर के आहोर तहसील की एक पीड़ित महिला ने SP को सौंपे ज्ञापन में बताया कि उसकी पुत्री की जल के मरने के मामले में पुलिस कार्यवाही पर संदेह हो रहा है। वहीं उसकी मौत के मामले में ससुराल पक्ष पर हत्या का संदेह जताते हुए बिना पोस्टमार्टम के हुए अंतिम संस्कार के मामले को लेकर जांच की मांग की है। 17 अक्टूबर मंगलवार को धन्वंतरी जयंती समारोह आरोग्य दिवस के रूप में जिला स्तर पर जिला परिषद सभागार में विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में मनाया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जालौर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर रमेश वैष्णव ने बताया कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार व आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार के तत्वाधान में मनाए जाने वाले आरोग्य दिवस की थीम आयुर्वेद पद्धति में दर्द निवारण प्रबंधन विषय पर व्याख्यान का आयोजन भी रखा गया है, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। सोमवार को, मंगलवार को धन्वंतरी जयंती का कार्यक्रम जिला स्तर पर जिला परिषद के सभागार में मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान आयुर्वेद विभाग की ओर से जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला स्तर पर यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है और जिला कार्यक्रम ये जो धन्वंतरी का आरोग्य दिवस है, आरोग्य दिवस के रूप में मान्यता मिली है इसको। जब से नई सरकार आई है तब से योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया और धन्वंतरी जयंती को आरोग्य दिवस के रूप में घोषित किया गया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रत्येक माह की 9 तारीख को मनाए जाने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत 7 नवंबर को जिला स्तर पर पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीए बिश्नोई ने बताया कि निदेशालय के निर्देशानुसार समारोह में सरकारी अस्पतालों को टीम अवार्ड और सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सेवाएं देने वाली निजी चिकित्सकों को व्यक्तिगत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। निर्देशालय स्तर से बनाए गए मापदंड के अनुसार दोनों श्रेणियों के लिए चिकित्सा संस्थान तथा चिकित्सकों का चयन कर सम्मानित किया जाएगा। इससे पूर्व जिले के उच्च भार वाले चिकित्सा संस्थानों पर ग्लोव साइन बोर्ड बनाकर प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि आमजन को अभियान के तहत विभाग की ओर से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी मिल सके। वीरम टीवी से जुड़ी अगर कोई भी राय आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है viramtvnews@gmail.com।